जादुई लहंगे का जादू। बहुत समय पहले की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में ज्योति अपने भाई रोहन और अपनी माँ शोभा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। ज्योति के पिता ज्योति को बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चले गए थे और उसके बाद रोहन ने पूरे घर का खर्चा उठा रखा था। ज्योति का भाई रोहन एक टैक्सी ड्राइवर था और ज्योति की माँ शोभा घर में ही रहकर घर का पूरा काम संभालती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह, ज्योति, ओ ज्योति, जल्दी से अपने भैया के लिए नाश्ता बना दे, उसे काम पर जाना है। हाँ माँ, बस नहा रही हूँ और भैया तो अभी तक सो रहे हैं। अब क्या करे, बेचारा दिन रात टैक्सी चलाता है, तब जाकर कहीं इस घर के खर्चे पूरे हो पाते हैं। थोड़ी देर बाद ज्योति का भाई जाग जाता है और अपनी माँ को पुकारने लगता है। माँ, ओ माँ, जल्दी से पानी गर्म करके दे दो, मुझे एक घंटे में रेलवे स्टेशन पहुँचना है। एक घंटे के बाद ट्रेन आने वाली होगी, वहाँ पर बहुत सारी सवारी मिल जाएगी। बेटा, मैंने पानी गर्म कर दिया है, तू जल्दी से जाकर नहा ले, तब तक ज्योति तेरे लिए नाश्ता बना देगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, बिना बोले ही सारा काम पहले से ही करके रखती हो। अरे नहीं बेटा, तू भी तो दिन रात मेहनत करता है, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद तूने ही घर की सारी जिम्मेदारियां ले रखी है। हाँ माँ, बस अब ज्योति की शादी हो जाए, फिर सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। इतने में ज्योति वहाँ आ जाती है। क्या भैया, आप भी ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, शादी में कितना सारा पैसा खर्च होता है, हम लोग इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे। उसकी चिंता तुम मेरे ऊपर छोड़ दो माँ, मेरी प्यारी बहन के लिए कहीं ना कहीं से तो इंतजाम कर ही लूँगा। ज्योति मुंह लटकाकर किचन में भैया के लिए नाश्ता बनाने चली जाती है। माँ, मैं ज्योति के लिए एक अच्छा सा लड़का देख रखा है, आज शाम मैं उसके घर जाकर बात कर लूँगा। तुझे जैसा ठीक लगे बेटा, अब सब कुछ तुझे ही तो करना है। ज्योति का भाई नाश्ता करके अपने टैक्सी लिए रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद शाम होते ही ज्योति का भाई लड़के वालों के घर पहुंच जाता है। नमस्ते आंटी, मैं ज्योति का बड़ा भाई हूं। उस दिन मैंने आपसे रिश्ते की बात की थी ना? अरे हाँ हाँ, आओ आओ बेटा, बैठो और सुनाओ, तुम्हारी माँ कैसी है? जी सब ठीक है, मैं सोच रहा था कि अगर एक बार आप ज्योति को देखने हमारे घर आ जाते तो हम लोग इसी गर्मी में ज्योति की शादी कर देते। अरे बिल्कुल, हम लोग तो कल ही तुम्हारे घर लड़के देखने आ जाएंगे। इसके बाद ज्योति का भाई वापस अपने घर आ जाता है। माँ, अरे ओ माँ, जल्दी से बाहर आओ। अरे क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहा है? माँ, वह कल लड़के वाले ज्योति को देखने हमारे घर आ रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। रात बहुत हो चुकी थी, सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही घर की तैयारियों में जुट जाते हैं। अरे ज्योति, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, लड़के वाले आते ही होंगे, जा जल्दी से नई साड़ी पहन ले। थोड़ी देर बाद लड़के वाले ज्योति को देखने आ जाते हैं। कुछ देर तक खाना पीना चलता रहता है, उसके बाद लड़की की माँ कहती है, हमें ज्योति जैसी सुंदर और संस्कारी बहू ही चाहिए थी, अब वो भी मिल गई, तो अगले महीने ही शादी तय कर लेते हैं। पर समधन जी, वो दहेज? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ज्योति हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटी बनकर रहेगी, हमें तो बस बहू ही चाहिए, कोई दहेज नहीं। इसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और अगले महीने शादी की तारीख पक्की हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और शादी से ठीक 3 दिन पहले ज्योति का भाई अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने लगभग सारी तैयारी पूरी कर दी है, परंतु मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और ज्योति के लिए एक अच्छा सा लहंगा भी तो लेना है, समझ नहीं आ रहा ज्योति के लिए एक लहंगा कैसे खरीदूं। बेटा, हो सके तो किसी से उधार ले लो, बाद में लौटा देना। ज्योति का भाई अपने बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगता है, पर कोई भी उसे पैसे नहीं देता। वो बहुत निराश हो जाता है और रात को अपनी टैक्सी लेकर अपने घर आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत टैक्सी के पास पहुंचकर कहती है, बेटा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मुझे बहुत दूर जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? अरे कोई बात नहीं अम्मा जी, आप टैक्सी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। ज्योति का भाई उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ देता है, लेकिन टैक्सी से उतरते ही वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। अरे
कौन हो आप? घबराओ मत बेटा, मैं एक परी हूँ और उस रास्ते पर भेष बदल कर मैं सभी लोगों की परीक्षा ले रही थी। तुम्हारे अलावा किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, परंतु शादी में पहनने के लिए उसके पास कोई भी लहंगा नहीं है। अगर आप मुझे एक लहंगा दे देते तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता। रोहन के इतना बोलते ही परी अपने जादू से एक लहंगा प्रकट करके रोहन को दे देती है। ये एक जादुई लहंगा है, इसे पहनने वाली दुल्हन अपने आप बहुत सुंदर हो जाएगी और उसकी सारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। ज्योति का भाई वो लहंगा लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ और ज्योति को बताता है। रोहन के मुँह से ये बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन ज्योति वो लहंगा पहन लेती है। जादुई लहंगा पहनते ही ज्योति पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और हाथों में सोने की चूड़ियां आ जाती है और सारा घर बहुत सुंदर सज धज जाता है। जादुई लहंगे के कारण तरह तरह की मिठाइयां और पकवान प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां बारात आ जाती है और बहुत धूमधाम से ज्योति की शादी हो जाती है। ज्योति अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में ज्योति को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उससे सुंदर दुल्हन और उसका लहंगा आज तक किसी ने नहीं देखा था। शादी के अगले दिन ससुराल में ज्योति उस जादुई लहंगे की मदद से बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वाह बेटा, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है! मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। उस दिन के बाद ज्योति और जादुई लहंगे की मदद से घर के सारे काम आराम से करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब ज्योति अपने ससुराल में सबके लाडली बन गई थी, इसलिए ज्योति की जेठानी पूजा उससे जलने लगती है। एक दिन मौका लगते ही ज्योति की जेठानी ज्योति के कमरे में पहुंच जाती है। आज इसकी सभी साड़ियां और सूट फाड़ देती हूँ, इसे मजा चखाना ही होगा, बहुत सबके लाडली बनी फिरती है। पूजा जैसे ही ज्योति की अलमारी खोलती है, उसे पूजा का जादुई लहंगा दिखाई देता है। ये तो वही लहंगा है जो उसने अपनी शादी में पहना था, आज इसका खेल खत्म ही कर देती हूँ। ज्योति की जेठानी जैसे ही वो लहंगा उठाती है, उसे बहुत तेज करंट लगता है। ज्योति की जेठानी तुरंत उस लहंगे को वहीं फेंक देती है और चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो कभी भी ज्योति के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। जादुई लहंगे की मदद से ज्योति खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है और गरीबों में दान भी करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।